हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड सेवन सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एट कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी हुई है प्रॉफिट फाइंड आउट करना है वो रुपीज़ में और परसेंटेज में ओके गार्डनिंग से बाउट टू हंड्रेड फिफ्टी एंड सोल्ड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ये सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस है देखो सेलिंग प्राइस टू हंड्रेड फिफ्टी सॉरी कॉस्ट प्राइस टू हंड्रेड फिफ्टी सेलिंग प्राइस है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सो so, सो देर इज़ प्रॉफ़िट तो प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी है मतलब थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस टू हंड्रेड फिफ्टी कितना होगा माइनस करेंगे सेवेंटी फाइव रुपीज़ अब परसेंटेज में है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड परसेंटेज फाइंड आउट करना है प्रॉफिट कितना हुआ सेवेंटी फ़ाइव कॉस्ट प्राइस है टू हंड्रेड फिफ्टी सो सेवेंटी फाइव अपॉन टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड ज़ीरो जीरो कट ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव थ्री टेन ज़ा थर्टी तो कितना आया थर्टी परसेंट और रेफ्रिजरेटर बाउट फोर ट्वेल्व थाउजेंड एंड सोल्ड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड में ख़रीदा है और बेचा कितने में है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड तो कितना बचेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रोफिट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड प्रॉफिट कितना है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपॉन ट्वेल्व थाउजेंड मल्टीप्लाई हंड्रेड जीरो 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 ये जीरो और ये जीरो कट वन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड ट्वेल्व करना है वन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड ट्वेल्व करोगे कितना आएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ओके नेक्स्ट देखो सी अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सोल्ड थ्री थाउजेंड कितने में ख़रीदा है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड बेचा कितने में है थ्री थाउजेंड में तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस थ्री थाउजेंड में से टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करोगे कितना बचेगा फाइव था फाइव हंड्रेड रुपीज़ परसेंट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड प्रॉफिट है फाइव फाइव हंड्रेड अप कॉस्ट प्राइज है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई हंड्रेड ज़ीरो 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 कट ट्वेंटी फाइव टू ज़ा फिफ्टी और यहाँ पे एक ज़ीरो है मतलब आपको क्या करना है फ़ाइव हंड्रेड डिवाइड ट्वेंटी फ़ाइव करना है ट्वेंटी फाइव टू ज़ा फिफ्टी ज़ीरो ज़ीरो और ये ज़ीरो मतलब कितना आ गया ट्वेंटी परसेंट और असकट बाउट फोर टू हंड्रेड फिफ्टी एंड सोल्ड एट वन हंड्रेड फिफ्टी कितने में ख़रीदी है टू हंड्रेड फिफ्टी में बेची कितने में है वन हंड्रेड फिफ्टी मतलब कम प्राइस में बेची है मतलब क्या हुआ लॉस हुआ तो लॉस हुआ सो so हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे टू हंड्रेड फिफ्टी माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी तो लॉस कितनी आई हंड्रेड रुपीज़ लॉस परसेंट लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हंड्रेड लॉस कितनी है हंड्रेड रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड ज़ीरो जीरो कट ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा हंड्रेड टेन फोर ज़ा फोर्टी परसेंट ओके तो ये सब आपको ऐसे एकदम क्लियरली लिखना है ओके okay? उसके बाद क्वेश्चन टू देखो कन्वर्ट इज पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज ये सब रेशियो उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है थ्री इज टू वन थ्री इज टू वन मतलब टोटल पार्ट कितना होगा थ्री प्लस वन ये दोनों को ऐड कर दो थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट क्या होगा थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर और सेकंड पार्ट क्या होगा वन अपॉन फोर अब फर्स्ट प्राइज जो पार्ट है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट परसेंटेज थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई हंड्रेड सो ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव परसेंट सेकेंड पार्ट क्या परसेंटेज वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर है मल्टीप्लाई हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा हंड्रेड तो कितना परसेंटेज आ गया ट्वेंटी फाइव परसेंट उसके बाद है टू इज टू थ्री इज टू फाइव तो इस सभी का टोटल कर दो टोटल पार्ट टू प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन हो गए फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट क्या होगा टू अपॉन टेन तो इस परसेंटेज अब उसका परसेंटेज निकल लेते हैं तो टू अपॉन टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड ये जीरो जीरो कट हो गया टेन टू ज़ा ट्वेंटी परसेंट कितना इजी है है ना बच्चों उसके बाद सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट क्या होगा थ्री है तो थ्री अपॉन टेन थ्री अपॉन टेन उसके परसेंटेज निकालने के लिए थ्री अपॉन टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड यहाँ भी जीरो जीरो कट हो गया सो टेन थ्री ज़ा थर्टी ओके थर्ड पार्ट क्या है फाइव सो थर्ड पार्ट इज फाइव अपॉन टेन उसके परसेंटेज फाइव अपॉन टेन मल्टीप्लाई हंड्रेड यहाँ भी ज़ीरो ज़ीरो कट हो गया टेन फाइव ज़ा फिफ्टी अब आपको आपका आंसर सही है या नहीं है वो कैसे चेक कर हो तो ये तीनों परसेंटेज का टोटल हंड्रेड परसेंट होना चाहिए देखो ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी फिफ्टी प्लस फिफ्टी हंड्रेड तो हमारा आंसर सही है उसके बाद वन इज़ टू फोर सो टोटल पार्ट्स कितना हुआ वन प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव फर्स्ट पार्ट क्या है वन अपॉन फाइव उसके परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जार हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ज़ा हंड्रेड मतलब ट्वेंटी परसेंट और सेकंड पार्ट है फोर सो फोर अपॉन फाइव इस उसके परसेंट इस परसेंटेज फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ज़ा हंड्रेड ट्वेंटी फ़ोर ज़ा एटी एट्टी परसेंट और एटी और ट्वेंटी हो गया हंड्रेड ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट डी देखो वन इज टू टू इज टू फाइव टोटल पार्ट्स कितना वन प्लस टू प्लस फाइव एट हुआ फर्स्ट पार्ट क्या होगा वन अपॉन ऐट तो उसके इस परसेंटेज वन अपॉन एइट मल्टीप्लाई हंड्रेड ओके फोर टू ज़ा फोर टू ज़ा और फिफ्टी टू ज़ा हंड्रेड टू टू ज़ा फोर ट्वेंटी फाइव टू ज़ा फिफ्टी तो ट्वेंटी फाइव डिवाइड टू करना है तो कितना आएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सेकेंड पार्ट क्या होगा टू अपॉन ऐट टू अपॉन ऐट इस परसेंटेज टू अपॉन ऐट मल्टीप्लाई हंड्रेड फोर टू ज़ा ऐट फिफ्टी टू ज़ा हंड्रेड टू टू ज़ा फोर ट्वेंटी फ़ाइव टू ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव टू ज़ा फिफ्टी और यहाँ पे टू टू कट हो गया तो कितना आया ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट फाइव सो फाइव अपॉन ऐट इस परसेंटेज फाइव अपॉन ऐट मल्टीप्लाई हंड्रेड फोर टू ज़ा ऐट फिफ्टी टू ज़ा हंड्रेड टू टू ज़ा फ़ोर ट्वेंटी फ़ाइव टू ज़ा फिफ्टी सो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अब डिवाइड टू करोगे कितना आएगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ओके क्वेश्चन थ्री देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ है पॉपुलेशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब फाइव हंड्रेड डिक्रीज हुआ है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज जो डिक्रीज हुआ है उसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है सो पॉपुलेशन डिक्रीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो कितना हुआ फाइव हंड्रेड डिक्रीज परसेंटेज सो क्या करेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज जितना डिक्रीज हुआ है उतना अपॉन क्या करेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई हंड्रेड फाइव हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई हंड्रेड ज़ीरो जीरो कट यहाँ भी जीरो जीरो कट जीरो ज़ीरो कट ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी तो कितना आया टू परसेंट ओके उसके बाद क्वेश्चन फोर है अरुण बाउट अ कार फोर

हंड्रेड कितना चेंज हुआ है अमाउंट में ट्वेंटी थाउजेंड ओरिजिनल कितना है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड अपऑन थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई हंड्रेड जीरो जीरो कट ये ज़ीरो कट ये ज़ीरो कट और ये ज़ीरो कट तो आपको क्या करना है टू हंड्रेड डिवाइड थर्टी फाइव करना है सो so, क्या होगा फोर्टी फाइव ज़ा टू हंड्रेड सेवन फ़ाइव ज़ा थर्टी फाइव इसमें फ़ाइव फाइव कट हो जाएगा तो फोर्टी अपॉन सेवन अब उसको डिवाइड करोगे तो फाइव फाइव अपॉन सेवन परसेंट ओके जैसे क्वेश्चन थ्री में डिक्रीज था वैसे क्वेश्चन फोर में इंक्रीज हुआ है सो टुडे योर होमवर्क इज़ वर्कबुक क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन ओके वन टू थ्री फोर सेवन एट नाइन ओके थैंक यू